मेरे बहनों भाइयों, ऐसे वीर ऐसे बहादुरों की धरती यह है। आज उसी अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह जी, पंडित राम प्रसाद जी बिस्मिल, इनका बलिदान दिवस है। इसलिए मैंने उनकी चर्चा की। इसलिए यकीन रखना, भारत का इतिहास रहा है, हमने दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण नहीं किया है और न दुनिया के किसी देश की जमीन पर हमने कभी कब्जा किया है। बहनों भाई, यह हमारा चरित्र है। लेकिन हम भी भारत की आन बान शान पर किसी भी सूरत में आंच नहीं आने दी। बुंदेलखंड के विकास का जहां तक प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड के 6,700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास अभी कुछ ही दिनों पहले किया है। महोबा में अर्जुन बांध परियोजना का लोकार्पण 2021 में हुआ है, पहले हो जाना चाहिए था। 2014 में ही मोदी जी ने इसके बारे में कहा था, लेकिन उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसने उसको नहीं होने दिया। लेकिन योगी जी के आने के बाद वह जो है अर्जुन बांध परियोजना जो है पूरी हो पाई है, उसका लोकार्पण हुआ है। बुंदेलखंड को प्यासा रख के बहनों भाइयों, मैं आपसे पूछता हूं, बुंदेलखंड को किस पार्टी ने प्यासा रखा है? किस पार्टी, पीछे के लोग आप बोलो, किसने? बहनों भाइयों, बुंदेलखंड को जिन लोगों ने प्यासा रखा है, उन समाजवादी पार्टी ने बहुत पाप किया है। उस पाप का उन्हें की सजा उन्हें मिलनी चाहिए। और आपको जानकारी होगी, अभी पिछले बुधवार को ही केंद्र सरकार की कैबिनेट में केन बेतवा नदी परियोजना को पूरा करने के लिए 44,000 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए गए हैं। बहनों भाइयों, 44,000 करोड़ रुपया यह स्वीकृत हुआ है। 10 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होगी। इतना ही नहीं, 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा, 103 मेगावाट पन बिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा भी पैदा होगी।